देश में चुनाव तो कब के खत्म हो चुके हैं, लेकिन हिंदू मुसलमानों को लेकर राजनीति अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने एक बार फिर से अपनी लेटेस्ट कवर स्टोरी में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर चिंता जाहिर की। इस पत्रिका में देश की औसत कम जन्म दर के संदर्भ में पॉपुलेशन इम्बैलेंस का मुद्दा उठाया गया। लेख में परिसीमन के दौरान वेस्ट और साउथ के राज्यों को नुकसान की बात भी कही गई। साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने की मांग भी की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो हमेशा से मुखर तरीके से हिंदुओं की आवाज बना हुआ है, हिंदुओं का मुद्दा उठाता आया है, उसी आरएसएस ने संघ से जुड़ी एक पत्रिका ऑर्गेनाइजर में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने की मांग की। पत्रिका में आर्टिकल लिखकर यह कहा गया है कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेमोग्राफिक चेंजेस किसी भी धार्मिक समुदाय या क्षेत्र को असंगत रूप से प्रभावित न करें, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस को देखते हुए सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजर में लेख के जरिए बढ़ती मुस्लिम आबादी और देश में घटती जा रही जनदर के संबंध में पॉपुलेशन इम्बैलेंस का मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही इससे परिसीमन के दौरान वेस्ट और साउथ के राज्यों में नुकसान होने की बात भी कही गई, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान परिसीमन किया जा सकता है। लेख में सबसे ज्यादा चिंता मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर जताई गई। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डेस्टिनी टाइटल वाले आर्टिकल में यह साफ कहा गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का महत्वपूर्ण आयाम धार्मिक और क्षेत्रीय दोनों ही तरीकों से असंतुलित है, इम्बैलेंस्ड है। नेशनल लेवल पर पॉपुलेशन स्टेबल होने के बावजूद ये सभी धर्मों और क्षेत्रों में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में, मुस्लिम जनसंख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। सीमा से सटे राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तराखंड में सीमा पार से इलीगल माइग्रेशन की वजह से अननेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जा रही है। लोकतंत्र में जब रिप्रेजेंटेशन के लिए नंबर्स मैटर करते हैं और डेमोग्राफिक डेस्टिनी तय करनी होती है, तो इस तरह के ट्रेंड को लेकर और ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए। आरएसएस ने अपने लेख में लिखा है कि राहुल गांधी जैसे नेता हिंदू भावनाओं का अपमान करने का जोखिम उठा सकते हैं। ममता बनर्जी महिलाओं पर अत्याचारों को स्वीकार करने के लिए मुस्लिम कार्ड खेल सकती हैं। द्रविड़ पार्टियां सनातन धर्म को गाली देने में गर्व महसूस कर सकती हैं, क्योंकि इन सभी नेताओं को एक खास वर्ग को प्रभावित करना होता है, जबकि इस तरह की वोट बैंक की राजनीति देश को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। ऑर्गेनाइजर में छपे लेख के मुताबिक रीजनल इम्बैलेंस एक और क्रिटिकल डिमेंशन है जो भविष्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। वेस्ट और साउथ के राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को लेकर उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए जनगणना के बाद बेस पॉपुलेशन में बदलाव होने पर संसद में कुछ सीटें खोने का डर है। इसीलिए कुछ ऐसी नीतियों की जरूरत है जो ये सुनिश्चित कर सकें कि पॉपुलेशन ग्रोथ किसी एक धार्मिक समुदाय या क्षेत्र को प्रभावित न करे। चलिए अंत में आपको बताते हैं कि पॉपुलेशन और बर्थ रेट के बारे में क्या कहती है जनगणना। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जनगणना में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में जन्म दर तेजी के साथ बढ़ रही है। दोनों समुदायों की जन्म दर लगातार एक दूसरे के करीब पहुंचती जा रही है, जबकि कुल जनसंख्या के मामले में दोनों में से 1 अरब से भी ज्यादा का दोनों में अंतर है। ये गंभीर चिंता का विषय है। आरएसएस के मुताबिक इसका हल राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ही है। अगर अब भी ऐसा नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब देश के दुश्मनों का गजवाए हिंद का सपना साकार हो जाएगा और हिंदू अपने ही देश में माइनॉरिटी बनकर रह जाएगा। तो इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।